हेलो एवरीवन, ये है महिंद्रा की 3XO AX5 जो कि सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है 3XO का। ये ऑटोमेटिक वर्जन है और इसका ऑन रोड डेली में प्राइस है 14.22 लाख। सिटीज़ के हिसाब से प्राइस वेरी कर सकता है, तो आप अपनी सिटी के लिए चेक कर सकते हैं। इस वेरिएंट में हमें ये सी शेप में LED DRLs मिल जाते हैं, प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प मिल जाते हैं और एक नॉर्मल हेलोजन फॉग लैम्प मिल जाता है। पियानो ब्लैक फिनिश में ग्रिल दी गई है, महिंद्रा का नया लोगो इसमें दिया गया है और नीचे की तरफ ब्लैक फिनिश में ही बम्पर दिया गया है विद सम स्पेस फॉर एयर इनटेक। चलिए साइड से इसकी प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। ये एक सब 4 मीटर SUV है और अकॉर्डिंग टू दैट काफ़ी प्रोपोर्शनल डिज़ाइन दिया गया है, काफ़ी अच्छी लुक देती है साइड से। ORVM इसके पियानो ब्लैक फिनिश में दिए गए हैं विद टर्न इंडिकेटर्स, काफ़ी अच्छे लगते हैं ये भी। ऊपर आप देख सकते हैं सनरूफ मिल जाती है डिसेंट से साइज़ की। टायर प्रोफाइल अब चेक कर लेते हैं। सबसे पहले डायमंड कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं ड्यूअल शेड में, महिंद्रा का नया लोगो इसमें भी दिया गया है और काफ़ी अच्छे लगते हैं ये। टायर प्रोफाइल इसके चेक कर लेते हैं तो 205/65 R16, सो 16 इंच के इसमें टायर्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं इस कार साइज़ पे। डोर हैंडल्स पे क्रोम फिनिश दी गई है और ऊपर विंडो एरिया में भी क्रोम यूज़ किया गया है। क्रोम के एलिमेंट्स काफ़ी यूज़ किए गए हैं। आई एम नॉट अ फैन, बट हाँ ये काफ़ी सब्जेक्टिव है, आपको काफ़ी अच्छे भी लग सकते हैं। बैक में भी आप देख सकते हैं एक क्रोम स्ट्रिप लगाई गई है डिक्की एरिया पे। उसके अलावा LED कनेक्टेड टेल लैंप हमें मिल जाती है। ऊपर एक नॉर्मल सा एंटीना दिया गया है, शार्क विन एंटीना अवेलेबल नहीं है। स्पॉइलर दिया गया है वाइट और पियानो ब्लैक फिनिश में। हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है, रियर डिफोगर अवेलेबल है, वाइपर एंड वॉशर इसमें अवेलेबल है। अगेन दिस कनेक्टेड LED टेल लैंप लाइक ऑल द कार्स दीज डेज, बट इट लुक्स इनसेनली कूल ऑन दिस पर्टिकुलर कार। नीचे की तरफ आ जाते हैं तो रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं विद सम डायमंड कट डिज़ाइन और यहाँ नीचे प्लेस किया गया है इसका रियर कैमरा। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ ड्राइवर सीट पे और चेक कर लेते हैं इसका इंटीरियर कैसा है और क्या क्या फीचर्स हमें मिल जाते हैं। सबसे पहले डोर पे हमें देख सकते हैं रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है क्योंकि कीलेस एंट्री इसमें अवेलेबल है एंड अगेन एज यू कैन सी क्रोम फिनिश यहाँ डोर हैंडल पे दी गई है। इंटीरियर इसका ड्यूअल टोन में दिया गया है जिसमें बेज और ब्लैक कलर यूज़ किया गया है। रिफ्लेक्टर भी प्रोवाइड किया गया है डोर पे फॉर योर सेफ्टी एट नाइट। यहाँ दिए गए हैं विंडो के कंट्रोल्स, ORVM फोल्ड एंड फोल्ड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और चारों विंडो के लिए पावर कंट्रोल। यहाँ हमें सॉफ्ट टच मटेरियल कुछ छोटे से एरिया में मिल जाता है, बट उसके अलावा जो भी एरिया है उस पर सब हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है। सिल्वर फिनिश में डोर हैंडल्स हमें दिए गए हैं। हाइट एडजस्टेबल सीट्स इसमें मिल जाते हैं, सो बेसिकली 6 वे एडजस्टेबल ये सीट्स हैं और फैब्रिक फिनिश में सीट्स दी गई हैं। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, नो डाउट इन दैट। और यहाँ हमें कंट्रोल्स मिल जाते हैं हिल डिसेंट के लिए, आइडल स्टार्ट स्टॉप के लिए बटन मिल जाता है और एक हेडलाइट लेवलर मिल जाता है। थोड़ा वियर्ड सी स्क्वेयरिश शेप में हमें एसी वेंट्स दिए गए हैं पियानो ब्लैक और सिल्वर फिनिश में। चलिए बैठते हैं कार के अंदर और इसके इंटीरियर को और डिटेल में चेक करते हैं। डोर क्लोज करते हैं। डोर की जो थर्ड साउंड है वो काफ़ी रीअश्योरिंग है। ऑफकोर्स महिंद्रा 3XO इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट कार्स इन इंडिया। फुल्ली डिजिटल हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें दिया गया है, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन इसमें हमें मिल जाती है और डिस्प्ले की क्वालिटी भी डिसेंट है। एक राउंड शेप में स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, कोई डी कट स्टीयरिंग व्हील इसमें नहीं दिया गया है और इसके राइट साइड में मिल जाते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल के भी बटन यहाँ पे दिए गए हैं और स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं हमें इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड पे ही नीचे हमें मिल जाते हैं वाइपर को कंट्रोल करने के लिए बटन्स और स्टीयरिंग के राइट साइड नीचे हमें मिल जाते हैं हेडलाइट के बटन्स, DRL के बटन और टर्न इंडिकेटर के बटन। अब आ जाते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम पे। हमें 10.25 इंच की स्क्रीन दी गई है और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है स्क्रीन की, टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी अमेजिंग है। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, इसमें सारे ही फीचर आपको मिल जाते हैं। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में 4 स्पीकर और 2 ट्वीटर अवेलेबल हैं जिनकी साउंड क्वालिटी डिसेंट इनफ है। नीचे दिए गए हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए बटन और इसके नीचे इसी वेंट्स हमें मिल जाते हैं अगेन ब्लैक एंड सिल्वर फिनिश में और उसके नीचे हमें हैजर्ड लाइट के स्विच मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिल जाता है और पैसेंजर एयरबैग को
ऑन एंड ऑफ करने के लिए बटन मिल जाता है। नीचे हमें ऑटो एसी इस वेरियंट में मिल जाता है, उसके सारे कंट्रोल्स आप देख सकते हैं। और हमें वायरलेस चार्जिंग पैड इस वेरियंट में प्रोवाइड किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और उसके अलावा एक USB टाइप ए चार्जिंग पोर्ट भी इसमें प्रोवाइड किया गया है। चलिए ग्लव बॉक्स इसका चेक कर लेते हैं। बाहर से देखने में छोटा लगता है ग्लव बॉक्स, बट इसकी डेप्थ बहुत ही अच्छी दी गई है और काफ़ी ज़्यादा सामान आप इसमें रख सकते हैं। बट हाँ, एक कॉन इसमें यह है कि ये कोई कोल्ड ग्लव बॉक्स नहीं है और ना ही कोई यहाँ पे लैंप दिया गया है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फीचर ऑफ दिस कार, IRVM इसका नॉर्मल मिल जाता है विद मैनुअल डे नाइट एडजस्टमेंट। ऑटो एडजस्टमेंट इसमें होनी चाहिए थी, पता नहीं क्यों नहीं दी गई। यहाँ ऊपर एक सनग्लास होल्डर मिल जाता है, अंदर सॉफ्ट मटेरियल यूज़ किया गया है ताकि स्क्रैचेस ना आए। यहाँ हमें मिल जाती है कैबिन लाइट्स, और कैबिन लाइट और सनरूफ के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। सनरूफ इसकी चेक कर लेते हैं, एक डिसेंट साइज की सनरूफ इसमें मिल जाती है। हालांकि पैनोरामिक सनरूफ इसमें अवेलेबल नहीं है, बट आप वेदर एंजॉय कर सकते हैं, ठीक ठाक साइज की सनरूफ है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रंट सीट्स में हमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं, जो कि अच्छी बात है। और मिड में हमें एक आर्मरेस्ट मिल जाता है, स्लाइडिंग आर्मरेस्ट ये नहीं है, बट इसके अंदर स्टोरेज स्पेस ठीक ठाक दिया गया है। और दो कप होल्डर भी मिड पार्ट में हमें मिल जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ फीचर्स इसके और डिस्कस कर लेते हैं। इसमें 1200cc का इंजन मिल जाता है हमें, पेट्रोल इंजन है। 109.96 किलोवाट की मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है और 200 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। 6-speed ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है अवेलेबल इस वेरिएंट में। फ्रंट एंड रियर दोनों ही डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। 42 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, और बाकी फीचर्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस टाइम। फ्रंट सीट्स को हमने एडजस्ट कर दिया है मैडी की हाइट के हिसाब से, और मैडी की हाइट है 6 feet। रियर डोर यहाँ पे सिल्वर फिनिश में, अगेन डोर हैंडल्स प्रोवाइड किए गए हैं। विंडो के कंट्रोल्स, कुछ स्टोरेज स्पेस, सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ भी यूज़ किया गया है एल्बो के लिए, बाकी हार्ड मटेरियल यूज़ किया गया है। और नीचे 1 liter बॉटल्स आप आराम से रख सकते हैं इसमें, नो इश्यूज एट ऑल। अगेन बैठते हैं कार के अंदर और चेक कर लेते हैं रियर सीट का कंफर्ट कैसा है। मैडी की हाइट है 6 feet, और इस हिसाब से भी काफ़ी अच्छा नी रूम यहाँ पे अवेलेबल है। बढ़िया स्टोरेज स्पेस दिया गया है फ्रंट सीट्स में। और हेडरूम की बात करें, हेडरूम भी यहाँ पे डिसेंट मिल जाता है। सनरूफ की वजह से ये स्कूप डाउट डिज़ाइन यहाँ पे बनाया गया है, बट अगर आपकी हाइट है अप टू 6 feet, आप बहुत कंफर्टेबली इस कैबिन में बैठ सकते हैं। हमें तीनों पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट मिल जाते हैं पीछे, और तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं ये। और मिड में हमें हैंडरेस्ट भी दिया गया है इस वेरिएंट में। स्प्लिट रियर एसी वेंट्स इस कार में दिए गए हैं, और उसके नीचे हमें फ़ोन रखने के लिए स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, और एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी अवेलेबल है। कुछ ऐसा मिल जाता है रियर से डैशबोर्ड का लुक, बहुत ही प्रीमियम लगता है ये डैशबोर्ड। अब डिस्कस कर लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर्स। इसमें पहला है ABS विद EBD, 6 airbags, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, स्पीड अलर्ट एंड स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक। यहाँ सेंटर में हमें मिल जाता है रीडिंग लैंप रियर पैसेंजर्स के लिए, और दोनों ही तरफ ग्रैब हैंडल्स भी दिए गए हैं विद अ हुक टू हैंग योर कोट्स। चलिए अब चलते हैं कार के बाहर और चेक कर लेते हैं इसका बूट स्पेस। इसमें 364 लीटर्स का बूट स्पेस दिया गया है। पार्सल ट्रे इस पर्टिकुलर वेरियंट में अवेलेबल नहीं है, बट 60-40 स्प्लिट्स आपको दी गई हैं, तो अगर आपको एक्स्ट्रा सामान रखना है इनको फोल्ड कर सकते हैं। दोनों ही तरफ हमें ये हुक्स दिए गए हैं वेयर यू कैन हैंग योर पॉली बैग्स। फ्लैट बूट हमें यहाँ पे नहीं मिलता, बूट की डेप्थ काफ़ी ज़्यादा बनाई गई है, तो सामान रखने और उतारने में आपको थोड़ा इश्यू ज़रूर हो सकता है। और यहाँ नीचे हमें दिया गया है टूल बॉक्स अलॉन्ग विद द स्टेफनी ऑफ द कार। तो ये थी हमारी एक डिटेल्ड वीडियो महिंद्रा XUV 3XO AX5 ऑटोमेटिक वेरिएंट की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट दैट लाइक बटन एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, आपको सभी हैंडल्स की इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप शोरूम विजिट करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर बिलो।